दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है वीनस लीकेज। ये क्या होता है? तो जैसे आप सब जानते होंगे कि हम मर्दों के अंदर जब सेक्स का विचार करते हैं, जब सेक्स के जाते हैं, तो हमारे लिंग के अंदर खून की धमनियाँ होती हैं। इसके अंदर खून का दौरान बढ़ जाता है। जब खून दौरान बढ़ जाता है तो ये लिंग जो है टाइट हो जाता है। और जब भी खून दौरान बढ़ता है तो लिंग के अंदर क्या होता है, देखो ये धमनियाँ खून ले जाती हैं और वेन नीली वेन खून को वापस लाती हैं। तो ये वेन जो है इसको वापस लाती हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो जब इरेक्शन होता है तो इसमें खून दौरान बढ़ जाता है और जो ये लिंग जो नसें जो खून को वापस लाती है यहाँ से आकर के और ये फिर बाहर आकर के और खून को वापस ले जाती है यहाँ से आकर के इसको एक लिंग के चारों तरफ एक कवर होता है उसके थ्रू ये वेन वापस ब्लड लाती है। तो जब भी लिंग में खून दौरान बढ़ता है सेक्स दौरान जब लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ये बढ़ता जाता है बढ़ के ये और ब्लड फ्लो बढ़ता है और ये जो जो वेन वापस ब्लड ले आती हैं ये ब्लॉक हो जाती है। देख रहे हैं ये ब्लॉक हो गई। तो जब भी लिंग में कड़ापन आता है तो खून दौरान खूब होता है और ये लिंग का ब्लड फ्लो बाहर जाने वाला ये यहाँ पे ब्लॉक होने की वजह से ब्लड फ्लो बाहर जाना बंद हो जाता है। तो जब फुल टाइट में क्या होता है, जब फुल टाइट होता है तो ब्लड जो है लिंग से बाहर जाना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि जब खून दौरान बढ़ने से ये जो छेद होता है ये ब्लॉक हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है। बट वीनस लीक एक बीमारी होती है। ये वीनस लीक क्या होती है? जिसमें कि लिंग में खून दौरान आ रहा है, इसे खून दौरान आ रहा है लेकिन इसमें तो इसमें क्या इसे इस बीमारी में लिंग में खून दौरान पूरा आता है लेकिन जो खून दौरान को ये वेन होती वेन जो बाहर ले आती है ये बाहर जाती रहती है। तो ब्लड आया फुल अच्छा आया बट ये बंद नहीं होती है बंद हो क्योंकि ये पूरा इसको कोलेप्स नहीं हो पाती है, ये बंद नहीं हो पाती है। जब बंद नहीं हो पाती है तो ब्लड फ्लो जाता रहता है। तो ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है, लीक बैक भी करता रहता है, इसलिए पेनिस फुल टाइट नहीं होता है। नॉर्मली क्यों होता है ये जान लो, जो वीनस लीकेज होता है कारण क्या है? तो सबसे पहला कॉमन कारण होता है पैदाइशी।
पैदाइशी वीनस लिखे डेवलपमेंटल सिंस बर्थ होता है, ऐसे लोगों बचपन से आज तक कभी फुल टाइट ना हो। आप जान लीजिए अगर किसी का 3 मिनट फुल टाइट रह जाता है किसी का, आपने हैंड प्रैक्टिस में या सेक्स में या इमेजिन कभी भी, और 3 मिनट लगातार फुल टाइट रह जाता है, इसका मतलब कि न उसको ब्लड फ्लो की कमी है न उसको वीनस लीकेज है। तो और कोई लड़का बोलता है कि आज तक फुल टाइट कभी नहीं हुआ मेरा, 3 मिनट टाइट कभी नहीं रहा आज तक, तो ऐसे में या क्या बोलता है कि भाई कोई ऐसा होता है मान लो कोई लड़के हैंड प्रैक्टिस किया और फुल टाइट हो गया और आधा मिनट निकल गया डिस्चार्ज हो गया तो ठीक है, बट किसी का मान लो हैंड प्रैक्टिस किया लगा हुआ है फुल टाइट नहीं हुआ कभी भी आज तक नहीं हुआ, सीमेंट डिस्चार्ज भी नहीं हुआ, तो इसका तो कोई वीनस लीकेज संभावना है। या किसी को पुराना डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या कोई एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से, या ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज में यानी 60 साल के बाद, या पांचवा एक बीमारी होती है पेरोनरी डिसीज, जिसमें क्या होता है कि लिंग के अंदर इतना ब्लड ट्रैप हो जाता है कि वहाँ के टिश्यू जो है वीनस लीकेज स्टार्ट हो जाता है, तो नॉर्मली ये कारण होती है। अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे, तो डायग्नोसिस बनाने के लिए पेनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं हम लोग, आफ्टर पैपावरिन इंजेक्शन। इसमें क्या होता है लिंक के अंदर क्या होता है इस बीमारी में, इस टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक सिरिंज से लिंक के अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है नाम है पैपावरिन। ये लिंक नसों को फैला देती है, ये लिंक के अंदर फैला देती है जिसे ब्लड फ्लो आने लगता है, ब्लड फ्लो आकर नॉर्मल लोग के अंदर ये ब्लड फ्लो जब इतना बढ़ जाता है तो ये बाहर जाना लीकेज बंद हो जाती है, तो मरीज के अंदर फुल ब्लड फ्लो होता है बट लीकेज नहीं होती है। तो इससे कंफर्म है कि आपको लीकेज नहीं, ब्लड फ्लो अच्छा है, कोई लीकेज नहीं है। तो ये इस टेस्ट के नाम में बोलते हैं पेनाइल डॉपलर टेस्ट। इसमें क्या होता है इस जो यहाँ पे के मशीन रख के देखते हैं कि ब्लड फ्लो किस स्पीड से आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है ब्लड फ्लो और लीकेज कितना हो रहा है। तो नॉर्मल लोग क्या होता है कि इसे बोलते हैं हम लोग पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, यानी कि लिंग की खून दौरान जो आर्टरी होती है उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, क्या बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर कितना ब्लड फ्लो जा रहा है। तो अगर किसी का पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 35 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है तो एकदम नॉर्मल है, अगर 25 से कम है इसका मतलब कि उसके अंदर ब्लड फ्लो कम है, जबकि वीनस लीक में क्या होता है कि नॉर्मली जब पेनिस के अंदर एक होता है एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी के ईडीवी बोलते हैं ईडीवी, नॉर्मल लोग के अंदर 3-5 सेंटीमीटर इसे कम होता है, इसे 5 से कम होता है, जबकि वीनस लीक में कंटिन्यूस लीकेज होता रहता है और ईडीवी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो अगर किसी का पूरे ब्लड फ्लो आ रहा है बढ़िया बट साथ में एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी भी बढ़ा हुआ है मोर देन 5 है, इसका उसके अंदर वीनस लीकेज है। तो वीनस लीकेज कब डायग्नोज करते हैं हम लोग, वीनस लीकेज तब बोलते हैं
जब पीएसवी यानी पीक सिस्टर वेलोसिटी मोर देन 35 है, यानी ब्लड फ्लो नॉर्मल है, बट ईडीवी यानी एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी भी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, यानी कि ब्लड फ्लो बैक भी हो रहा है। प्लस साथ में से क्या होता है कि इसमें ये भी देखते हैं कि जो हमारी ये वेन होती है इसके अंदर भी ब्लड फ्लो बढ़ा रहता है, इसके अंदर वापस ब्लड फ्लो बढ़ा रहता है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डीप डॉर्सल वेन, उसके अंदर ब्लड फ्लो कितना जा रहा है। तो नॉर्मल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, बट 10 से ऊपर होता है, 20 ऊपर होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो लीक बैक कर रहा है उस फेज में। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, अब आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है, पर कभी कभी ऐसा भी हो गया, देखा गया कि अगर इंजेक्शन टाइम में पेन ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा पेन हो उससे भी कभी कभी मरीज के अंदर पीक स्टार वेलोसिटी कम हो सकती है, कभी कभी इवन ईडी भी बढ़ सकती है, तो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर किसी को मान लो पेन इज फुल टाइट हो रहा, बढ़िया टाइट हो रहा, 3 मिनट 4 मिनट, उन लोग को पेनाइल ड्रॉपलेट्स की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ब्लड फ्लो नॉर्मल है, कोई लीकेज नहीं है। तो अगर आप सेक्स अच्छा कर रहे हैं, फुल टाइट हो रहा, आपको सीमेंट डिस्चार्ज से पहले भी पेनिस नहीं लूज नहीं हो रहा, आप रात सुबह टाइट अच्छा हो रहा, हैंड पेडिस टाइट अच्छा हो रहा, तो आपको पेनाइल ड्रॉपलेट्स की जरूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है, देखो इसमें नॉर्मली इसके स्पेशलिस्ट के लिए क्या होता है, इसके लिए यूरोलॉजिस्ट से दिखाना पड़ता है, इस बीमारी के लिए यूरोसर्जन। वो लोग क्या करते हैं कि इसके लिए फिर एक वो टेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं वीनोग्राफी। उसे पेनिस में क्या होता है कि इस बीमारी में पेनिस में क्या करेंगे वो लोग, इस पेनिस में सिरिंज से, इस सिरिंज से एक दवा यहाँ इंजेक्ट करते हैं, दवा इंजेक्ट करेंगे इसको, एक दवा, और फिर देखते हैं कि वो जो दवा जो लीकेज हो रही है एक जगह से लीक हो रही है या कई जगह से लीक हो रही है। इस वीनोग्राफी देखते हैं कि लीकेज जो है वन साइड से हो रही है या मल्टीपल साइड से हो रही है। अगर मान लो एक वेन लीक हो रही है, सपोज आपने टेस्ट किया और देखा कि लीकेज आपकी केवल एक यहाँ से लीकेज हो रही है, एक जगह आपको लीकेज खाली यहाँ से हो रही है, यहाँ से इस वेन से लीक हो रही है, तो चुपचाप वो लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं इसको, यहाँ से इस वेन को बांध देते हैं, लीकेज बंद हो गया, इरेक्शन ठीक हो गया। पर अगर मल्टीपल जगह से कई जगह लीकेज होगा, यहाँ से कई जगह लीकेज होगा, तो फिर उसके लिए सबका बांधना संभव नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं, फिर वो लोग करते हैं, फिर इसमें अगर मल्टीपल साइड से लीकेज है तो भी पेनिस का पेनाइन इम्प्लांट डाला जाता है। उससे क्या होता है कि इम्प्लांट क्या होता है कि इससे पेनिस के अंदर इसके अंदर क्या होगा कि एक प्लास्टिक का डाल देते हैं इसमें अंदर, और ये प्लास्टिक जो है एक अटैच होता है एक एक अलग बैग से, एक छोटे बैग से अटैच होता है, जो कि ये स्क्रोटम हो गया,
ये आदमी की एक गोली है, टेस्टिस है, तो एक छोटा पाउच रहता है, पाउच होता है, उस पाउच को उसके गोली के अंदर छोटा पाउच होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, लिक्विड। तो जब भी मरीज को सेक्स करना होता है, इसको दो तीन बार दबा देता है, ऐसे दबा देता है, जब प्रेस करता है तो लिक्विड यहाँ से उठ के यहाँ चली जाती है और पेनिस फुल टाइट हो जाता है, पेनिस एकदम फुल टाइट हो जाता है, एकदम बढ़िया टाइट हो जाएगा। उसके आप सेक्स कर लो, जब सेक्स कर लोगे आप, अच्छा सेक्स, बढ़िया सेक्स हो जाएगा, अच्छा सेक्स कर लो, जब तक दोबारा इसको नहीं दबाओगे, जब तक वापस दोबारा नहीं दबाओगे, जब दोबारा दबाओगे तो वापस लिक्विड यहाँ वापस आ जाएगा, कुछ स्पेशल टेक्निक होती है। तो जब तक वापस नहीं करो ये सेक्स लिंक खड़ा रहेगा, बढ़िया टाइट होगा, और इसकी कंपनी 10 साल 15 साल चलता है एक इंजेक्शन, एक बार इम्प्लांट लगने बाद, तो लाइफ ठीक रहती है। यूरोसर्जन लोग अच्छे हॉस्पिटल अपोलो अपोलो हम लोग करते हैं, हम लोग हमारे होता है, और खर्चा करीब लोग 3-3.5 लाख लेते हैं, उसको इम्प्लांट कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं पेनाइल इम्प्लांट करते हैं फिर वो लोग, पेनाइल इम्प्लांट। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि वीनस लीक होता क्या है, क्यों होता है, कैसे डायग्नोज करें, कैसे ट्रीट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।